नमस्कार, जुड़े हैं रिंकी बत्रा के साथ गरिमा टाइम्स पर। आसपास का माहौल देखकर आप समझ गए होंगे इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं। दरअसल एक ज्वेलर्स की शॉप पर हम आए और खबर बता रहे हैं काम की, आपके काम की होने वाली है, जिसमें कस्टमर्स को भी फ़ायदा होने वाला है, ज्वेलर्स को भी फ़ायदा होने वाला है। क्या है वो काम की खबर, वो यहाँ पर हमारे साथ जो प्रधान जुड़ेंगे हरियाणा ज्वेलर्स एसोसिएशन के, उन्हीं से ही जानेंगे। फिलहाल बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया है 1 सितंबर को, वो आदेश भी क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ सर जुड़े हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल बता दें कि कारण से, अनजाने से या जाने से, अक्सर ज्वेलर्स को परेशान किया जाता था, सुनारों को, गोल्ड स्मिथ को, सिल्वर स्मिथ को परेशान किया जाता था, जिसमें जो भी चोरी की आइटम थी उसको रिकवरी करने के लिए इनके पास आकर पूछताछ की जाती थी। हमारे साथ राकेश वर्मा जी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। सर, अभी तो सबसे पहले जो वीडियो देखने वाले दर्शक हैं उनको सबसे पहले ये बताइए कि आखिर वो क्या आदेश है जो आपके साथ साथ जनता के भी हित। देखिए, ये काफ़ी वर्षों से हमारी इस चीज़ की डिमांड थी हरियाणा सरकार से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री अनिल विज जी का और हमारे रोहतक से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस बारे में कि वर्षों पुरानी इस डिमांड को उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। इसमें ज्वेलर्स का हित तो है ही है, साथ में इसमें जनता और कस्टमर का भी ज़बरदस्त हित है। इसमें अक्सर देखा गया था कि एक ग्राहक को ज़रूरत के समय पे अगर सोना उसका ना बिक सके तो वो बड़ा परेशान होता था, फाइनेंसरों के चक्रों में फंसता था, अलग अलग जगह उसको सामान रखना पड़ता था। अब सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दे दिए हैं इस चीज़ के कि आप अपना आईडी प्रूफ देकर और पेमेंट चेक के द्वारा लेने से कोई भी ज्वेलर इस सामान को, पुराने सामान को खरीद सकता है। तो ग्राहक का इसमें बहुत फ़ायदा है और ज्वेलर्स की बड़ी ज़बरदस्त इसमें समस्या दूर हुई है। प्रताड़ित किया जाता था, किस वे में प्रताड़ित किया जाता था, क्या पुलिस द्वारा किया जाता था या मतलब जिसकी गलती नहीं है उसको भी इसी के बीच में धकेला जाता था? 99% इसमें ज्वेलर पूरी तरह से पिसा हुआ था। वो पूरे पैसे ग्राहक को देने के बाद भी फेक चोरी का चोर बना के पुलिस उसको ले आती थी ज्वेलर्स के पास। वो चाहे मध्य प्रदेश से आती थी, कभी यूपी से आती थी, जिसका डर दिखा के कि आपको वहाँ चलना पड़ेगा, उस डर के एवज में आकर ज्वेलर अपनी उस प्रताड़ना से बचने के लिए दो बार पेमेंट उसको करनी पड़ती थी। एक वो चोर को कर देता था और दूसरी फिर वो पुलिस को रिकवरी करनी पड़ती थी सेम मटेरियल की, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था समाज के लिए भी और उसको इस ऑर्डर के तहत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे कितने केसेस फिलहाल सुनने को मिले थे आपको, मतलब इस केस से पहले? देखिए, ये तो पूरे प्रदेश में आए दिन का एक झमेला रहता था कि कभी किसी जगह पे और कभी किसी जगह पे, हर जिले में रोज एक दो केस इस तरह के आते रहते थे, जिससे अब ये राहत मिलने के पूरे चांस है। आपने बताया जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब ने और डीजीपी साहब ने जो है आदेश पारित किया है, उसमें फ़ायदा तो है, दोनों को होने वाला है कुल मिलाकर, अगर हम जनता की बात करें और आप गोल्ड स्मिथर्स की भी बात करें। लेकिन अगर इस सवाल को दूसरे दायरे से देखा जाए तो चोरों को फ़ायदा होता था, तो फिर अब उन पर कितनी लगाम लगने वाली है? देखिए, इस पर पूरी तरह से लगाम है। एक तो चोर का के पास बैंक अकाउंट की डिटेल बड़ी मुश्किल से मिलेगी, उसका आधार कार्ड, उसकी आईडी प्रूफ मांगेंगे, उसकी वीडियो फोटो रखेगा ज्वेलर, तो इन सारी प्रक्रियाओं से वो चोर अपने आप ही इस चीज़ से डरेगा अपनी आईडी आइडेंटिटी देने में। तो ये एक, अगर सभी ज्वेलर्स को भी मैं एक दिशा निर्देश दूंगा इस चीज़ का कि जानबूझकर कभी भी चोरी का माल ना खरीदे, और अगर उसे जिस तरह भी थोड़ा सा भी उसको अंदेशा होता है कि ये चोरी का सामान है, तो तुरंत अपने संबंधित थाने से उसका संपर्क करके उस चोर का उसको बारे में पुलिस को संज्ञान कराए। तो अभी किसी SHO या DSP या SP से आपकी रोहतक से बात हुई है? जी बिल्कुल हुई है, कल SHO साहब सिटी थाना अपना राकेश सैनी जी के साथ हमारी बात हुई है। उन्होंने क्लियर हमें इस ऑर्डर की कॉपी दी है और उन्होंने कहा है कि आप DGP साहब ने इस तरह के जो ऑर्डर दिए हैं उसके साथ आप काम कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त रहेंगे। आखिरी प्रश्न मेरा यही रहने वाला है कि अभी पब्लिक को, उनके साथ साथ गोल्ड स्मिथर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसी ऑर्डर के माध्यम से? इस ऑर्डर के माध्यम से यही संदेश है कि एक व्यापार को थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सुनार का काम तो सोना लेना और बेचना दोनों ही काम है। उसको लेने में जो डर था अभी तक कि कहीं ये चोरी का सामान ना हो, तो अब वो थोड़ा सा उसको खुल के काम कर पाएगा और जो ज़रूरतमंद एक्चुअल में जेन्युइन है,
ग्राहक है उसको सही समय पे पेमेंट मिल पाएगी और सोने की सेल में भी इसमें वृद्धि होगी कि क्योंकि इसका एक पैरामीटर जो है वो खुल जाएगा। वरना आम आदमी ये डरता था कि मेरी ज्वेलरी बिकेगी या नहीं बिकेगी या उसी सुनार को देनी पड़ेगी जिससे ली है नहीं ली है, तो ये इस तरह के दायरे व्यापार को बढ़ावा देंगे। आपने सुन ही लिया फायदा कितना एक होने वाला है, तो थी ना आपके काम की बात, ज़्यादा से ज़्यादा इस काम की बात को और ज्वेलर्स ओल्ड गोल्ड और गोल्ड स्मिथर तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बात की सूचना मिल जाए। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ रोहतक गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।